आप सुन रहे हैं रेडियो नशा पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट। वेलकम टू क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित कुमार। क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। जब बात आरडी बर्मन यानी पंचमदा की ही हो रही है तो सुरों के साथ साथ कई किस्से भी याद आ गए। पंचमदा का पहला प्यार तो शायद म्यूजिक ही था, लेकिन और भी कई शौक थे पंचमदा के। तो आज बात करेंगे पंचमदा की, नॉट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बल्कि एज अ पंचमदा। जब भी पंचमदा फोन करते थे तो कभी हेलो नहीं बोलते थे। हम जैसे बोलते हैं हेलो, उधर से आवाज आती थी हाँ, फिर बोला हेलो हाँ, बोला हाँ चलता हाँ 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 हाँ, मेरा पंचमदा बोलो ना। फिर वो बोलते थे तू कीमा का मछली खाया है कभी, मैं बना कर लाता हूँ, शाम को आता हूँ। उनकी शाम मतलब रात 8 बजे शुरू होती थी और रात 2 बजे खत्म होती थी, और रात 8 बजे के बाद पंचमदा बिल्कुल अलग इंसान होते थे। उनको कुकिंग बहुत पसंद थी। वो खाना बना कर लेकर आते थे, बोलते थे जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन बातों बातों में 2 बज जाता था। फिर 2 बजे वो अपने खास दोस्त प्रोड्यूसर रमेश बहल को कॉल करके पूछते थे तुम्हारे घर आ जाऊं, हो गए? और उधर से क्या जवाब आता होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं। अगर पता करना हो तो अपने दोस्त को रात को 2 बजे कॉल कर लेना। तो ऐसे थे पंचमदा, मस्त मौला बिल्कुल। अभी मुझे पंचमदा का एक किस्सा याद आया। हम किसी म्यूजिक सिटिंग के लिए मिले और जैसे ही काम खत्म हुआ मैंने देखा कि सारे म्यूजिशियन कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि सबको एक साथ क्या हुआ, सब बहाना बनाकर खिसक क्यों रहे हैं। मैंने पूछा तो मुझे एक म्यूजिशियन ने कहा तू भी निकल जा जल्दी। मुझे पंचमदा ने रोक लिए, आई लव्ड हिज कंपनी, मैं रुक भी गया। उसके बाद मुझे पता चला कि सब भाग क्यों रहे थे। दादा को शौक था कहानी सुनाने का, ही वॉज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर नो डाउट, और उनके स्टोरी सेशन शुरू तो होता था लेकिन खत्म नहीं होता था। वो सबको खाना वाना खिलाते थे और जाने नहीं देते थे। उनको लोगों के बीच रहना बहुत पसंद था। उनके जाने के एक दिन पहले 3 जनवरी को पंचमदा फोन करके बोले अमित तू क्या कर रहा है रे, आजकल मेरे पास 2-4 फिल्म्स मिले हैं, बहुत सारी चीज दिमाग में चल रही है, तू कल सुबह घर आ जा, खाना खाएंगे और लेट्स सिट एंड डिस्कस। मैं बोला पंचमदा आप स्टोरी सेशन शुरू कर दोगे खाना खिला के? बोला अरे नहीं नहीं यार, काम की बात करेंगे, लेट्स वर्क टुगेदर एंड बाउंस बैक। नेक्स्ट डे सुबह मैं ब्रश कर रहा था और लीना जी वॉशरूम का दरवाजा नॉक की और बोली अमित पंचमदा गॉन, और मेरा रिएक्शन था गॉन इतनी जल्दी, अरे कल ही तो बात किया। उस वक्त शायद बिलीव ही नहीं हुआ था। बाद में जो महसूस हुआ उसके लिए बाबा और पंचमदा का यही गाना याद आता है, आने वाला पल जाने वाला है। तब तक सुनते रहिए क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।